The war of words between Congress General Secretary Digvijay Singh and BJP PM-designate Narendra Modi has reached another level after the former once again attacked the Gujarat strongman during a public meeting in Bhopal. Singh said that BJP, which talks about Hindutva, has led the people belonging to Sanatan Dharam astray by mixing Hindutva with religion. Bharatiya Janata Party Hindutva ki baat karti hai. Hindutva ka koi rishta dharm se nahi hai. और हिंदुत्व का शब्द वीर सावरकर जी ने पहली बार लिया था, जो कि स्वयं आर्य समाजी थे और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को धर्म के साथ जोड़कर हमारे सनातन धर्म के लोगों को गुमराह किया है। Questioning who Narendra Modi is, Digvijay said despite claiming the saffron party leader to be an amazing leader and he did big planning, BJP failed and Congress came to power in 1998. मुझे इस बात का आश्चर्य आज होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि अपने आप को कैसी मजबूत पार्टी कहती थी कि जहां कार्यकर्ता आगे है नेता पीछे है, आज पूरी पार्टी पीछे हो गई और नरेंद्र मोदी आगे हो गया। ये नरेंद्र मोदी कौन चीज है, मैं बताना चाहता हूं। जब मैं मुख्यमंत्री था तो अखिल भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के रूप में श्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के इंचार्ज थे और ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं कि बड़ा बढ़िया प्लानिंग करता है, बड़ा जबरदस्त राजनेता है, लेकिन हम लोगों के सामने इसकी सारी प्लानिंग फेल हो गई थी और कांग्रेस 98 में फिर जीत के आई थी। द कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी आल्सो सेड मोदी इज द बिगेस्ट लायर इन द कंट्री। इस आदमी से बड़ा झूठ बोलने वाला हिंदुस्तान में मैंने कोई दूसरा आदमी नहीं देखा। Lambasting on his marital status, Singh raised questions on the returning officer for not rejecting Modi's form and said since it is Modi's ruling Gujarat, so the form was not rejected. अब इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है कि इन्होंने 2001 में फॉर्म भरा, 2002 में फॉर्म भरा, 2007 में फॉर्म भरा, 2012 में फॉर्म भरा। अब हम भी अगर फॉर्म भरते हैं तो पत्नी के कॉलम के सामने लिखते हैं या कि शादीशुदा है या नहीं है, लेकिन इन्होंने उस कॉलम को खाली रखा। वैसे तो रिटर्निंग ऑफिसर को वो फॉर्म रिजेक्ट करना चाहिए था, लेकिन सरकार उनकी है, फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ। लेकिन आप जानते हो दिग्विजय सिंह के पास जितनी जानकारी आती है शायद दूसरे किसी के पास नहीं आती होंगी। जो एक बात जो मैंने कही है वो सही निकली है। दिग्विजय also appealed to the election commission to file an FIR against Modi for lying earlier about his marital status. अगर जुर्म बनता है तो गुजरात की सरकार तो मुकदमा दायर करेगी नहीं, इसलिए हमने चुनाव आयोग से कहा है कि गुजरात सरकार को निर्देश दीजिए कि ये झूठ बोलकर इसने एफिडेविट जो दिया है नरेंद्र मोदी का, इसके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। दिस रिपोर्ट वॉज ब्रॉट टू यू बाय NNIS।